never saw it coming. I couldn't read the signs. I don't know why I left you in this time. I must be blind. I guess I couldn't trust you, 'cause all you did was lie. Oh no, I have to keep you off my mind. 'Cause of you I'm wired up, I don't want you. It's time for you to go. YouTube चैनल आई एम सौरभ एंड यू वाचिंग सौरभ्स ब्लॉग्स। तो गाइस जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं ऐसे ही रोजाना वीडियो लाता रहूँगा। और आज मैं हूँ KTM आंदुल में, या आंदुल जो KTM का जो शोरूम है। और आज मैं जो गाड़ी का रिव्यू करने जा रहा हूँ वो है हस्क्वर्ना विथ प्लियन 250। ओके, तो गाड़ी का पहले फ्रंट की अगर बात करें तो यहाँ पर तो आपको नंबर प्लेट लगाने का जगह है। फ्रंट में आपको मिरर मिल जाता है, ये जो इंडिकेटर आपको LED इंडिकेटर मिल जाता है, ये आप देख सकते हैं LED इंडिकेटर है। ये जो है पूरा LED DRL दिया हुआ है। और हेडलैम्प जो है ये भी पूरा LED है। और यहाँ पर हस्क्वर्ना पूरा ब्रांडिंग किया हुआ है। ओके, तो फ्रंट में आपको WP Apex की तरफ से WP सस्पेंशन मिल जाता है, USD फोक मिल जाता है। और फ्रंट में आपको 320mm का डिस्क विथ वाइब्रे कैलिपर के साथ मिलता है। और हमारे ब्रेब्जी FC1 का टायर मिलता है। इसका जो सेक्शन है 110x70 17 इंचेस एलॉय व्हील के साथ मिलता है। और ये जो गाड़ी है डुअल चैनल ABS वाला गाड़ी है गाइस। फ्रंट में आपको हस्क्वर्ना ब्रांडिंग मिल जाता है मडगार्ड के ऊपर। इधर भी रिफ्लेक्टर दिया हुआ है, इधर भी रिफ्लेक्टर दिया हुआ है। ओके, और इंजन कैपेसिटी की अगर बात करें तो ये आपको 248.7 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल 4 वेल वाला इंजन मिल जाता है, जो DSG सेटअप है एंड फुली फ्यूल इंजेक्टेड है। ये मैक्स पावर प्रोड्यूस करता है, लगभग 30 PS का मैक्स पावर प्रोड्यूस करता है। 24 Nm का टॉर्क जेनरेट करता है इस इंजन से। और ये जो बोला है फुली लिक्विड कूल है। यहाँ पर आप रेडिएटर देख सकते हैं और यहाँ पर आप BS6 भी देख सकते हैं। यहाँ पर यहाँ पर कैथोलिक कन्वर्टर ऐड किया हुआ है। यहाँ पर आपको हॉर्न मिलेगा। ओके, और गाड़ी का यहाँ पर आपको राइडर फुटपैक मिल जाता है, पिलियन फुटपैक मिल जाता है। इधर आपको हस्क्वर्ना की तरफ से पूरे एग्जॉस्ट मिल जाता है, एल्यूमिनियम स्विंगम देखने को मिलता है। और ये जो ब्रेक है पीछे में आपको 230mm का डिस्क मिल जाता है विद वाइब्रे कैलिपर। और हमारे ब्रेक भी FC1 150x60 17 इंचेस एलॉय व्हील के साथ आता है। पीछे में आपको टायर हगर मिल जाता है। इधर आपको नंबर प्लेट का लाइट दिया हुआ है। यहाँ पर रिफ्लेक्टर भी देखने को मिलता है। इधर आपको साड़ी गार्ड मिल जाता है। ये जो बोला एल्यूमिनियम स्विंगम है। और ओपन साइड चेन सेटअप है, लगभग आपको 500-600 के बाद आपको चेन वॉश एंड चेन लुब्रिकेट करना पड़ेगा। और ये जो गाड़ी है 6-speed गियर बॉक्स के साथ आता है। मिडिल स्टैंड ये गाड़ी में आपको नहीं देखने को मिलता है, ओनली साइड स्टैंड मिलता है। इधर आपको क्रैश गार्ड दिया हुआ है। और इसका जो फ्यूल टैंक है ये 9.5 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है। और ये जो सीट है यहाँ पर कोई भी स्प्लिट सीट नहीं देखने को मिलता है। ओके, और पीछे का अगर टेल लाइट की बात करें, यहाँ पर आपको फुल्ली LED टेल लाइट मिल जाता है। जी हाँ गाइस, ये फुल्ली LED है और काफ़ी प्रीमियम लाइट देख सकते हैं आप। यहाँ पर एक तो ग्रैप ग्रिल था, तो अभी वहाँ पर इस गाड़ी में ग्रैप ग्रिल आता है, लेकिन अभी ग्रैप ग्रिल खुला हुआ है। ओके, और ये जो इंडिकेटर है फुल्ली LED है। और एक बार जला के दिखा देता हूँ, ये जो इंडिकेटर है फुल्ली LED है। सबसे बेहतरीन जो चीज़ लगा इसका जो टेल लाइट। और इधर गाइस कोई भी आपको मडगार्ड नहीं देखने को मिलता है, सिर्फ टायर हगर दिया हुआ है। ओके, और यहाँ पर WP Apex की तरफ से आपको मोनोशॉक एब्जॉर्बर मिल जाता है, जो फुल्ली एडजस्टेबल है। और ये जो बोला स्प्लिट सीट यहाँ पर नहीं देखने को मिलता है, लेकिन इसका जो सीट कुशन है ये काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी नरम है सीट कुशन। ओके, तो आते हैं फ्रंट पे। यहाँ पर आपको जो
इसका जो हैंडल बार है फुल्ली क्लिप ऑन हैंडल बार देखने को मिलता है यहाँ पर हिट क्लियरेंस। आपको ब्रांडिंग किया हुआ है WP जो सस्पेंशन जो है ये फुल्ली एडजस्टेबल सस्पेंशन है ओके। और इंस्ट्रूमेंट कंसोल तो गाइस फुल्ली लोडेड है, एक बार मैं दिखा देता हूँ। इंस्ट्रूमेंट कंसोल में काफ़ी सारा फीचर्स है, यहाँ पर आपको इंडिकेटर का सिग्नल मिल जाता है, इंजन माल फंक्शन, शिफ्ट इंडिकेटर, न्यूट्रल, इधर ABS का मिलता है, और एक बार यहाँ पर हाई बीम लो बीम का मिल जाता है ओके। और यहाँ पर आपको कितना गियर पे चल रहा है, कितना स्पीड है, यहाँ पर ABS फेलियर अभी तो अभी फर्स्ट सर्विस के अंदर वो काम हो जाएगा ABS का जो एरर है। और यहाँ पर जो फ्यूल गेज दिखा रहा है, इंजन टेम्परेचर, टाइम दिखा रहा है, हस्कोपर्ना का ब्रांडिंग है, इधर इन्फो वगैरह, इधर जो आपका जो ट्रिप ऑडो जो होगा यहाँ पर शो करेगा। और गाइस इस गाड़ी में गाइस आपको मोड मिलता है, एक्चुअल मोड मिलता है जो सुपर मोटो मोड है, मतलब आपका फ्रंट ABS काम करेगा, पीछे का जो ABS है इसको आप ऑन ऑफ चाहे तो कर सकते हैं। इसमें आपको डुअल चैनल ABS मिलता है, लेकिन आप चाहे तो पीछे का जो ABS है उसको आप ऑफ भी कर सकते हैं, मतलब ये जो है ये रोड मोड में अभी चल रहा है, इसमें आपको सुपर मोटो मोड भी मिल जाता है ओके। और गाड़ी का मिरर की अगर बात करें तो पूरा क्लासिक वाला मिरर आपको मिल जाता है, इधर जो बोला आपको क्लिप ऑन हैंडल बार मिल जाता है, इधर आपको इंजन किल स्विच मिलता है, BS4 से तो ऑन ऑफ का स्विच हट गया। और ये गाड़ी तो फिलहाल हम लोगों का इंडिया में पूरा BS6 वर्सन के साथ ही आया है। और यहाँ पर आपको सेल्फ बटन मिल जाता है, हाई बीम लो बीम, इंडिकेटर ऑन, और ये है फास्ट बटन, इसका लाइट भी एक बार दिखा देता हूँ, काफ़ी ब्राइट है। और इसका एक बार साउंड सुना देता हूँ मैं, इसका साउंड गाइस आप लोग सुन सकते हैं, आप लोग कृपया करके हेडफोन यूज़ कर लीजिए, आपको साउंड पूरा अच्छा सुनाई देगा। साउंड तो गाइस काफ़ी बढ़िया है। और इस गाड़ी को आपको लगभग 30 का फ्यूल इकोनॉमी आपको मिल जाएगा, मतलब 30 का माइलेज आपको लगभग मिल जाएगा गाड़ी से। और गाड़ी का अगर वेट की बात करें लगभग आपको 153 kg गाड़ी का वेट है। और गाइस इस गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है लगभग आपको 145 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। और इधर आपको इंजन में अगर गाड़ी टच ना हो उसके लिए पूरा गार्ड भी दिया हुआ है ओके। और गाइस मैं एक बार गाड़ी में बैठ के भी दिखा देता हूँ, गाड़ी का जो सीटिंग पोस्चर है ये थोड़ा आपको कैफे रेसर वाला सीटिंग पोस्चर मिलेगा। और गाड़ी का जो हाइट है गाइस, ये गाड़ी का हाइट थोड़ा ज़्यादा है, आप लोग देख सकते हैं, मेरा हाइट है 5'8", मेरा पैर काफ़ी ऊंचा है, तो लगभग आपको 5'6" तक ये गाड़ी लेना चाहिए गाइस, 5'5" या पर 5'4" अगर लेंगे तो आपको थोड़ा ट्रैफिक टू ट्रैफिक थोड़ा दिक्कत आने वाला है। और ये जो पूरा कैफे रेसर स्टाइल है आप लोग देख सकते हैं, थोड़ा आपको थोड़ा झुक के चलाना पड़ेगा इसका जो राइडिंग पोस्चर जो है। बाकी आप लोग जिनको ये गाड़ी सूटेबल लग रहा है आप लोग शोरूम पे आइए, गाड़ी का टेस्ट ड्राइव लीजिए, तो आप अंगुल KTM में कॉन्टैक्ट करें, स्क्रीन पे नंबर, शोरूम का एड्रेस आ रहा है, आप लोग अंगुल KTM में आइए। लेकिन इस गाड़ी को अगर लेना है तो आपको पहले से बुक करना पड़ेगा, तो आप लोग शोरूम पे विजिट करिए। और इस गाड़ी का एक बार 360 व्यू मैं आप लोगों को सबको दिखा देता हूँ, गाड़ी तो काफ़ी बढ़िया है। ओके और गाइस मैं एक बार शोरूम का अंदर भी आप लोगों को दिखा देता हूँ, तो आप लोगों को तो KTM का तो हर मॉडल लगभग 390 तक आपको KTM हर मॉडल मिल जाएगा, KTM एडवेंचर, RC 200, 250, 390 हर मॉडल मिल जाएगा ओके। और आप लोगों को अगर ड्यू RC 125 या फिर RC 200 या फिर KTM का अगर कोई भी गाड़ी का रिव्यू देखना है तो आई बटन में लिंक आ रहा है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और गाइस माफ़ी चाहता हूँ, बाहर पे मैं जो शूट कर रहा हूँ अभी तो रोड साइड है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा है। तो KTM का कोई भी गाड़ी आपको देखना है तो मेरा अगर वीडियो नहीं भी रहेगा आप लोग मेरे को नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं वो गाड़ी का रिव्यू ला दूंगा। और कोई भी KTM का गाड़ी लेना है तो आप KTM अंगुल में कॉन्टैक्ट कीजिए, कॉन्टैक्ट नंबर शो कर रहा है, और आप लोग ट्राई करेंगे हावड़ा हुगली कलकत्ता से कॉल करने के लिए। ठीक है गाइस, आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए, अभी तो कोरोना टाइम चल रहा है, तब तक के लिए आप लोग सेफ रहें, बाय गाइस।